चाचेवास स्थित अपेक्षा सिटी मामले में एक नया मोड़ आया है। विद्युतीकरण में बड़ी गड़बड़ी को लेकर डिस्कॉम एमडी को मिली शिकायत। अपेक्षा सिटी का यह मामला सामने आते ही एमडी केपी वर्मा ने दिए जांच के निर्देश। उक्त मामले की जांच अजमेर जोनल चीफ को सौंपकर मांगी गई है रिपोर्ट। शिकायत में अपेक्षा सिटी के मालिकों पर तथ्य छिपाने के लगे हैं गंभीर आरोप। ऐसे में अपेक्षा सिटी टाउनशिप फिर से विवादों में घिर गई है। 380 बीघा की उक्त टाउनशिप में 33 केवी का बनना था पावर हाउस। 5 करोड़ की लागत से अपेक्षा सिटी में लगना था ये बड़ा पावर हाउस, लेकिन अपेक्षा सिटी के मालिकों ने तथ्य छिपाकर कनेक्शन करवा लिया। ऐसी खानापूर्ति से बिल्डर को मिला 1000 गज जमीन और करीब करीब 5 करोड़ का फायदा। डिस्कॉम अफसरों ने अधूरे नक्शे पर दी थी मंजूरी। डिस्कॉम ने डिजाइन लोड के डिटेल में परीक्षण करवाए बिना दे दी थी मंजूरी। बिल्डर को फायदा पहुंचाने का मामला ये उजागर हुआ है। डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का ये मामला उजागर हुआ है। हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इन आरोपों पर अपेक्षा सिटी के प्रतिनिधि से पूछा तो कहा कि पहले अफसरों ने कहा था 33 केवी लाइन से ही कनेक्शन करने के लिए, लेकिन बाद में 11 केवी लाइन पर अपेक्षा सिटी में कनेक्शन मंजूर कर दिया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। विक्रम सिंह हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। विक्रम, किस प्रकार से बिल्डर को फायदा पहुंचाने का ये पूरा मामला उजागर हुआ है, बताइए पूरी खबर। देखिए आशीष जी, कि ये जो शिकायत जो डिस्कॉम के अंदर अब हुई है इस अपेक्षा सिटी के विद्युत कनेक्शन को लेकर के, विद्युतीकरण को लेकर के, पूरी टाउनशिप पॉलिसी का एक मामला था उसमें विद्युतीकरण को लेकर के, अभी एक शिकायत डिस्कॉम को जैसे ही प्राप्त हुई है उसमें बड़ा एक हड़कंप मचा हुआ है। और देखने में आया कि जिस प्रकार ये जो कनेक्शन जो हुआ है उसमें कनेक्शन में भारी अनियमितता को लेकर के ये कनेक्शन जारी हुआ है। इसमें 2023 में जब तत्कालीन एमडी जब एनएस निर्वाण थे उस समय ये कनेक्शन के लिए पत्रावली आई थी, और इस कनेक्शन के अंदर जारी करते समय उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसकी जो लोड की जो गणना है उस गणना के आधार पर 33 केवीए पावर हाउस बनने के बाद ही वहां कनेक्शन जारी होंगे। लेकिन वहां जिस स्थिति में नीचे की जो तरफ के जो अधिकारी थे, एक्सएल लेवल के अधिकारी थे, एएल लेवल के अधिकारी, उन्होंने 11 केवी पर जब उन्होंने इसका एस्टिमेट बना करके उच्च अधिकारियों को एमडी लेवल के पास जब स्वीकृति के लिए गया तब उनकी जो जांच में पोल खुली और उसमें स्पष्ट एमडी ने तत्कालीन एमडी ने निर्देश दिए थे, एएन को चार्जशीट दी गई, उसी के साथ में जो एक्शन थे उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया। लेकिन बाद में जब एमडी नए एमडी केपी वर्मा आए और वापस वो पत्रावली वापस पुनः रीओपन हुई और तत्काल अभी जो वर्तमान एमडी है उन्होंने इस पत्रावली को 11 केवी के कनेक्शन के लिए स्वीकृति जारी कर दी। देखिए आप इतनी बड़ी बात की, जब पूरे एमडी ने इस पर चार्जशीट दी गई थी अधिकारियों को जब 11 केवी बनाने पर, जबकि 33 केवी पर सब स्टेशन बनना चाहिए था वहां पर, और अभी जो वर्तमान जो एमडी केपी वर्मा है उन्होंने 11 केवी फाइल को सिलेक्ट करते हुए इन्होंने कनेक्शन जारी करने के आदेश दे दिए। ऐसे में तकरीबन आप देखें कि 5 करोड़ रुपए का राजस्व का डिस्कॉम को नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, लेकिन सबके बीच में किस प्रकार से तथ्य छिपाए गए और अब इसके आगे क्या, इस मामले को उजागर होने के बाद में अब यहां से आगे क्या देख सकते हैं हम? देखिए कि अब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अब शिकायत की है इस मामले को लेकर के, तो शिकायत जैसे ही मिलते ही अब हड़कंप मचा, वहां के अधिकारी अब आनंद फानंद में क्या कार्रवाई कर पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व के एमडी ने मना किया कनेक्शन करने के लिए और वर्तमान एमडी ने अभी केपी वर्मा ने उस कनेक्शन को जारी कर दिया, जब एमडी लेवल का अधिकारी यदि इस प्रकार की अनियमितता करने में चूक नहीं दिखा रहे हैं तो छोटे लेवल के अधिकारी को क्या सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और तकरीबन 1000 गज यदि वहां पर 33 केवीए पावर स्टेशन बनता है तो वहां पर अपेक्षा सिटी के मालिक को 1000 गज जमीन भी देना होगा और उसी के अंदर उस विद्युत तंत्र के लिए 5 करोड़ की लागत भी आएगी। लेकिन दोनों को बचाने के चक्कर में वर्तमान एमडी केपी वर्मा ने इस फाइल को सेक्शन करी है और अभी ये कनेक्शन को वापिस उन्होंने पुनः जांच के लिए जोनल चीफ को वापिस पत्रावली पर पुनः जांच करने के लिए जांच भी सौंपी है। लेकिन आप देखना यह है कि जांच का जो समय सीमा है क्या समय सीमा में जांच हो पाएगी। जी आशीष, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से तथ्य छिपाए गए, करवा लिया गया कनेक्शन, किस प्रकार से जमीन बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए तमाम चीजें मिली भगत के माध्यम से की गई। इस पूरा मामला अब उजागर हो गया कि किस प्रकार से तथ्य छिपाए गए और कनेक्शन लिया गया।